एक दिन 232 रन और दूसरे दिन 150 के आसपास का स्कोर, ये है पाकिस्तान क्रिकेट की स्थिति। और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बहुत ही कमी है इस टीम में। और अगर देखें हम तो टॉप ऑर्डर चलता है तो टीम चलती है, टीम जीतती है, टॉप ऑर्डर नहीं चलता। हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी रही, अटैकिंग शुरुआत रही पाकिस्तान की, उसको देखकर बहुत अच्छा लगा। रिजवान जिस तरह से खेल रहे थे, ताबड़तोड़ शॉट्स खेल रहे थे, बाबर ने भी अच्छा साथ दिया, लेकिन उसको बहुत लंबे समय तक वो आगे ले जा नहीं पाए। 5-6 ओवर बहुत अटैकिंग खेलने के बावजूद बड़ा स्कोर ना खड़ा करना पाकिस्तान की हार का एक कारण साबित हुआ। कारण बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन ये तय हो गया है टॉप ऑर्डर चलता है तो पाकिस्तान जीतती है, नहीं तो नहीं जीत पाती। और उसके अलावा मोइन अली, आदिल रशीद और पर्किसन, ये हैं तीन स्पिनर इंग्लैंड के जो पाकिस्तान के स्पिनर्स पर भारी साबित हुए। पाकिस्तान की ओर से शादाब, इमाद वसीम और हफीज ने तो खैर बॉलिंग ही नहीं की, क्यों नहीं की ये आप कैप्टन बता सकते हैं या हफीज खुद बता सकते हैं। शादाब उस लेवल के बॉलर अब नहीं रह गए हैं। इमाद वसीम बेशक थोड़े से महंगे साबित हुए हैं, लेकिन डॉट बॉल वो आज भी बहुत करते हैं। मैं तो कहूंगा कि जिस तरह से आर अश्विन करते हैं शुरुआती ओवरों में बॉलिंग, उसी तरीके से उनको भी जारी रखना चाहिए शुरुआती ओवरों में। उन्होंने विकेट भी चटकाए हैं, जिस तरह से उन्होंने जेसन रॉय का विकेट लिया पहले ही ओवर में, फिर उन्होंने डेविड मलान को आउट किया, तो अपने आप में काबिले तारीफ है। डॉट बॉल भी करते हैं, लेकिन उनके साथ मुझे कभी कभी उमेश यादव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जो लगातार 4-5 गेंदें अच्छी करने के बाद एक खराब गेंद करते हैं या दो खराब गेंद करते हैं, जिससे बड़े शॉट्स पड़ते हैं और सारी इकोनॉमी जो है गड़बड़ा जाती है, तो उन पर आप भरोसा कीजिए। बाकी हैरिस राउफ और हसनैन तो मैं कहूंगा कि अभी इनको नेट्स पर जाकर अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभी वो लेवल इनका नहीं हुआ है। हसनैन ने हालांकि पिछले मैच में बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी, किफायती बॉलिंग की थी, मैंने इसी मंच पर उनकी तारीफ भी की थी, लेकिन हैरिस राउफ को मैं देख रहा हूं कि वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। और सच कहा जाए तो इमाद वसीम और शाहीन शाह अफरीदी ने जो शुरुआती ओवरों में जो अच्छी बढ़त बनाई थी अच्छी गेंदबाजी करके, उसको गवा दिया हैरिस राउफ ने भी और हसनैन ने भी, और दोनों ने मिलाकर कुल मिलाकर जो है 19-19 रन पड़वा दिए पावर प्ले में, जिससे 66 रन तक पहुंच गया इंग्लैंड महज 6 ओवर में। यानी पावर प्ले में 66 रन किसी टीम के बन जाते हैं तो उसको निश्चित तौर पर एज होता है, लाभ की स्थिति होती है, और यही कुछ उनके साथ भी हुआ। और बाबर आजम ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने ज्यादा ही कुछ रन लुटा दिए हैं, तो ये बात बिल्कुल हसनैन पर और इन पर राउफ पर पूरी तरह से सही साबित होती है। लीड्स में रनों से भरपूर विकेट थी, टॉस जीतकर पता नहीं क्या दिमाग में रहा उनके, अगर पहले बल्लेबाजी की होती तो निश्चित तौर पर बड़ा टारगेट देते। और वैसे भी शुरू में गेंद जो है टर्न नहीं हुई है, बाद में गेंद टर्न हुई है, जिसका फायदा इंग्लैंड को मिला, और वो दोनों टीमों के बीच का एक बहुत बड़ा कारण साबित हुआ, बहुत बड़ा अंतर साबित हुआ। और इसके अलावा मैं कहूंगा कि फखर जमान जो है बेसिकली ओपनिंग बैट्समैन है, और उनको आप इतनी नीचे खिलाओगे, अगर आप 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए लाओगे तो वो नेचुरल गेम नहीं खेल सकता वो खिलाड़ी, वो बड़ा टेम्परामेंटल है और बड़े मैच का प्लेयर है, तो उम्मीद करनी चाहिए बड़ा मैच आने वाला है जो जीत और हार का फैसला करेगा, वहां फखर जमान के बल्लेबाजी क्रम के साथ बैटिंग ऑर्डर के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करने चाहिए उनको, नंबर 3 अधिक से अधिक नंबर 4, नहीं तो मैं तो कहूंगा नंबर 3 पर ही उनको खिलाएं, क्योंकि बेसिकली वो एक विशुद्ध रूप से ओपनिंग बैट्समैन है और फास्ट बॉलर्स को बखूबी खेलता है। और इसके अलावा इमाद ने, शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग अच्छी की है शुरुआती ओवरों में, बस पकड़ जो है इनकी वजह से जो है टीम ने गवा दी। मोइन अली को अगर हम देखें, उनका बहुत ही निर्णायक साबित हुआ, जिसने हफीज और फख्र को एक ही ओवर में चलता करके एक तरह से मैच जो है इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। और उसके अलावा जो उन्होंने जिस तरह से हैरिस राउफ के एक ओवर में 2 पॉइंट की दिशा में चौके लगाए, एक मिड विकेट के ऊपर चौका लगाया और एक उन्होंने मिड ऑफ की दिशा में चौका लगाया, वो वास्तव में देखने में बहुत ही काबिले तारीफ था, अच्छा लगा, और मोइन अली मैन ऑफ द मैच भी बने इसी वजह से। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अब जो तीसरा और अंतिम मुकाबला होगा उसमें पाकिस्तान जोशो खरोश के साथ और वही ऊर्जा के साथ आएगा। टॉप ऑर्डर जो उन्होंने पहले मैच में दिखाई थी, और टॉप ऑर्डर को अपनी जिम्मेदारी वैसी समझनी होगी जो पहले मैच में समझी थी, और साथ ही गेंदबाजों को, खासकर मैं कहूंगा हसनैन और राउफ के बारे में टीम मैनेजमेंट को बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए, दोनों नहीं तो कम से कम एक ही को खिलाएं, और क्या स्ट्रेटेजी हो, क्या किसको चेंज करना है, इसके बारे में जल्दी से जल्दी फैसला करें, क्योंकि ये दोनों ने नैया डुबोने में पाकिस्तान की बहुत बड़ा हाथ इन दोनों का रहा है। आप क्या सोचते हैं, मेरी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।